अस्सलाम वालेकुम, इट्स बॉय एंड नाटी। और आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है द रिसेंट एक्टिविटी डेट हैड हैपन डेट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे अब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। तो एक जो बात है, अब हम देखते हैं कि किस वजह पे उनको यानी कि डिस्क्वालीफाई किया गया, ना अहल करार दिए गए हैं। वो है कि उन्होंने अपने बेटे की ही कंपनी के अंदर एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम किया, और मार्केटिंग मैनेजर काम करने के बाद जो उनकी फ़ी बनी वो थी 10,000 दरहम। तो उन्होंने वो 10,000 दरहम नहीं दिए, जो कि इन आवर सुप्रीम कोर्ट सेंस एक फॉरेन एसेट बन गया, जो कि अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अब सिलसिला ये है कि वजीर ख़जाना भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, मरियम नवाज भी बीबी भी जो हैं, ये भी डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। अब यानी कि आधा आधा टब्बर जो है वो तो हो गया डिस्क्वालीफाई। अब रही आधे टब्बर की बात, तो आधा टब्बर जो है वो थोड़ा सा असूल पसंद भी है, मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, और मोस्ट प्रॉपरली वो प्राइम मिनिस्टर बनने होंगे। और अभी इस तरह से है कि उनको MNA की सीट एक जिताई जाएगी, फिर वो MNA की सीट्स के ज़रिए आएंगे असम्बली के अंदर, और फिर वहाँ से वोटिंग होगी और प्राइम मिनिस्टर अगले शहबाज शरीफ बनेंगे। खैर, ये तो था हमारे मुल्क के यानी के वजारत का। अब मैं सिर्फ एक चीज़, एक जो एक नई बहस छिड़ गई है, क्या ये भी एक मार्शल कोर्ट बनी थी या ये नो कोई मार्शल कोर्ट नहीं थी, ये टोटली एक अपना अपने ही नौयत की एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया अस्कुद नोटिस से। अब इंशाल्लाह मुझे इससे एक ये उम्मीद मिली है कि हमारे इदारे अभी भी जमहूरी हैं और उनकी कैपेबिलिटी इतनी है कि वो एक वज़ीर आज़म को वर्किंग और मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर को उसकी सीट से उतार दिया जाए, उतार सकते हैं, और उन्होंने उतारा है। और मुझे सिर्फ इस बात पे खुशी है, मुझे किसी के नुकसान पे खुशी बिल्कुल नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात पे खुशी है कि आखिर में जीत, आखिर में जो भी हुआ वो साबित करता है कि हम एक जमहूरी और मजबूत मुल्क हैं, और हमने एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह काम किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी अप्रोच। इमरान खान को नो डाउट एक यानी कि आप क्रेडिट दे सकते हैं कि उन्होंने ही इस चीज़ के ऊपर शोर डाला, बाकी शेख रशीद टाइप के लोग तो बस साथ चलने वालों में से थे, और देखते हैं अब क्या होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि इसके साथ साथ मेरी प्रेडिक्शन है, इसके साथ साथ मुझे वजीरे जो यानी कि जो वजीरे नहीं सॉरी जो है के पी के की हुकूमत वो भी जाती महसूस हो रही है, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, और या आई एम गिविंग अ गिव अवे, और गिव अवे होगा, यू टेल मी इन कमेंट्स के मैं क्या गिव अवे करूं, आप लोगों को क्या चाहिए आप, और मुझे ये भी बताएं कि मैं किस टॉपिक पे बात किया करूं, आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है। मैं कोशिश करता हूं कि न्यूट्रल रहूं ज़्यादा से ज़्यादा, और न्यूट्रल रहने की पूरी कोशिश करता हूं, और इंशाल्लाह आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी। अब डेली अपलोड होंगी, ये मेरा आपसे वादा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।